राहुल जी को कंपेयर किया है सर खालिस्तानी टेररिस्ट पन्नों से उनकी लैंग्वेज को लेकर? मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी के बारे में बातें बोली जा रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, जिम्मेदार पदों में बैठे लोग बोल रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होकर राहुल गांधी जी ने जनता की आवाज को उठाया है, लेकिन उनको लगातार टारगेट करने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि आज बीजेपी बैकफुट पे है, हर जगह पिछड़ रही है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस बहुत आगे निकल चुकी है, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो, तो राहुल जी को टारगेट करने का उनका सिर्फ यही है कि वो अपनी बौखलाहट को दिखाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक हैं, और अपनी जिम्मेदार पद पर बैठ के लोग अगर इस बात को बोलते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा को प्रकट कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार की भाषा का सभ्य समाज में कोई प्रयोग नहीं हो सकता, लेकिन वो कितना भी कोसें, गालियां दें, आरोप लगाएं, लेकिन हम लोग अपने रास्ते से हटने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी कमिटेड हैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए, लेकिन बेवजह उनको टारगेट करना और जिस भाषा का जो लैंग्वेज यूज करी है, मैं समझता हूँ इस पे तो सरकार को कदम उठाना चाहिए और भाजपा को माफी मांगनी चाहिए कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस प्रकार की भाषा का वो उपयोग करने की परमिशन दे रही है। सर उन्होंने ये भी कहा है कि ये भारतीय नागरिक नहीं है, वो अक्सर विदेश में ही रहते हैं। मैंने कहा ना, ये इनका एक ही उद्देश्य है, जब जब बीजेपी बैकफुट पे आती है, जब जनता उनको रिजेक्ट करती है, जब वो चुनाव लगातार हारने की तरफ जाते हैं, तो बौखलाहट में एक एजेंडा रहता है कि राहुल गांधी जी को उनको टारगेट करना है, अपशब्द प्रयोग करने हैं। हम लोग कभी भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन बड़ा निंदनीय है, कंडेमेबल है, और मुझे लगता है कि इसके लिए भारत सरकार को और बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। सेंटर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल लाने की तैयारी में है, चार स्टेट्स का चुनाव इकट्ठे नहीं करा पा रहे हैं वो, या करने नहीं दे रहे हैं, दो स्टेट्स का कर रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पोस्टपोन किए हैं, बाय इलेक्शन सारे पोस्टपोन कर रहे हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार वो काम करना चाहते हैं और हमेशा जनता को भ्रमित करने के लिए नए नए एजेंडा लेकर आते हैं। आज सरकार को बताना चाहिए कि पिछले 10 महीने में आपने क्या किया है, 6-5 महीने में जहां जहां सरकारें आपकी बनी है, 10 महीने हो गए हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तीनों स्टेट्स के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा गया है और सरकार हर मोर्चे पर इस बैकफुट पर है। सर सेंसस को लेकर तो बात कर रहे हैं, लेकिन कास्ट सेंसस को लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है, इसको हम पूरा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।